वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ आपकी होस्ट जोया काजी और आप देख रहे हैं अल तबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे नाज़रीन कुछ लोगों का मुझसे सवाल है कि हम अपनी शादीशुदा लाइफ को कैसे बेहतर बनाएं? कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर मर्द पहले डिस्चार्ज हो जाता है और औरत नहीं होती तो उसका क्या तरीकेकार है कि दोनों तरफ से सेटिस्फेक्शन एक जैसी होनी चाहिए तो आज का टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले मेरे आप चैनल को लाइक like करें सब्सक्राइब करें शेयर करें बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें अच्छा कुछ लोगों का सवाल है कि हमारी वाइफ जो है वो बहुत देर में डिस्चार्ज होती है कहीं होती नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है अच्छा कुछ ख़ातन को सेक्चुअल एक्टिविटी के दौरान डिस्चार्ज वो नहीं होती उनके लिए प्ले काम आता है मतलब आप उसके साथ रोमांस करें आप उसको उसके जिस्म के सेंसिटिव पार्ट्स को टच करें देन वो डिस्चार्ज होती हैं उसमें उनको एक या दो मिनट लगते हैं लेकिन समटाइम जेंट्स को नहीं पता होता और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं और वो अपनी टाइमिंग बेहतर करने में लग जाते हैं कि हमारी शायद टाइमिंग ठीक नहीं है जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ पार्टनर है उसको डिस्चार्ज होने में प्रॉब्लम है तो उनकी जो अच्छी खासी टाइमिंग होती है दस पंद्रह मिनट की वो उसको तीस मिनट पे करने में तुल जाते हैं जबकि टाइमिंग जो जेंट्स की है वो दो से तीन मिनट भी काफ़ी है कोई बड़ा इशू नहीं है लेकिन वो इस आ, टेंशन में अपनी टाइमिंग की तरफ तोज्जो देना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं उनकी वाइफ को कोई शायद इशू आ रहा है हमारी टाइमिंग की वजह से इस वजह से वो डिस्चार्ज नहीं हो रही तो ऐसे सूरत हाल में हमेशा उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए जब वो डिस्चार्ज हो जाएं और उनकी वाइफ डिस्चार्ज ना हो तो दैन वो उसके साथ रोमेंस करें उनके बॉडी पार्ट्स को सेंसिटिव पार्ट्स को आ, टच करें देन देखिए आपके दो से तीन मिनट के दरमियान में ही उनकी कंडीशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी उनको सेटिस्फ़ेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी और उनका जो सेक्शुअल uh, एक्टिविटी के दौरान चिड़चिड़ापन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि दो से तीन मिनट में वो डिस्चार्ज हो गई हैं और वो काफ़ी हद तक सेटिसफाइड हो गई हैं क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि जिसको uh, करना बहुत ज़रूरी था लोगों का क्योंकि बहुत सारी uh, लोगों ने अपनी टाइमिंग को बढ़ाने के चक्रों में डिफरेंट मेडिसिन खा खा के अपना बेड़ा कर कर लिया है और अब उनकी ये कंडीशन है कि उनको काफ़ी टाइम लग जाता है डिस्चार्ज होने में और ना तो वो ख़ुद डिस्चार्ज होते हैं उसकी वजह से उनका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है और उसको बहुत गु़स्सा भी आता है वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है और वो एट दी एंड अपने लाइफ uh, पार्टनर को साइड पे कर देते हैं अपने पार्टनर को किकआउट uh, करते हैं और समटाइम तो रिलेशन ख़त्म होने पर भी आ जाता है ताकि उनका uh, ये जो बहसो बहसी का चक्कर है ये जो उनका लॉन्ग टर्म टाइमिंग है इस वजह से भी कई लोगों को प्रॉब्लम जो आती है वो अपना रिलेशन इसी वजह से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि कई लोगों की टाइमिंग कुदरती बढ़ जाती है कई लोग मेडिसिन खा के अपनी टाइमिंग बढ़ा लेते हैं तो इस चक्कर में भी खवातीन जो हैं वो सेप्रेशन कर लेती हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइमिंग वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं जबकि वो खुद डिस्चार्ज नहीं हो पा रही होती क्योंकि उनका जो मोटिव होता है जो उनकी सेटिसफेक्शन है वो पूरी नहीं हो रही होती तो उसके लिए फॉर्ट प्ले होता है उनके लिए रोमेंस होता है आप कोशिश करें जब आप ख़ुद डिस्चार्ज हो जाएँ तो उनके लिए आप आ, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए उनको डिस्चार्ज करने के लिए उनके साथ रोमांस करें उनकी बॉडी पार्ट्स को उनके सेंसिटिव पार्ट्स को टच करें ताकि वो भी सेटिस्फाइड हो सकें ना कि अपनी टाइमिंग बढ़ाने के चक्करों में डिफरेंट मेडिसिन खाएँ ताकि आपकी मेडिसिन की वजह से दोनों को प्रॉब्लम हो और आपके रिलेशन पर कोई असर पड़े तो उम्मीद है नाजरीन आपको ये वीडियो समझ में आई होगी आपको पता चल गया होगा कि दोनों की सेटिस्फ़ेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़